फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ बोर्ड मास सेकंड पार्ट। ठीक, पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। ठीक, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक, तो बोर्ड मास सेकंड पार्ट लाए हैं, जो बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए, यानी जो छोटे छोटे सवाल होंगे उनको हम बोर्ड मास के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आपके सामने जो एग्जाम्पल हैं ये हैं। ठीक, और इसके ऊपर जो ये लाइन खींची, इसको कहते हैं लाइन बार। ठीक, कहते हैं लाइन बार। ठीक, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक, अब दूसरा हमारा ये का, जो कि ऑफ, जिसको हम फुल फॉर्म बता चुके हैं पहले ही। ठीक, तो का इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका आंसर कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लाइन बार है, अब टू प्लस का निशान है यानी एडिशन का, तो कितना हो गया, सिक्स। ठीक, डिवाइड बाई टू। अब इसका भाग करोगे दो से तो कितना आएगा आंसर, टू का डिवाइड करोगे थ्री आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, दो तीन छः, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आता टेन का फोर डिवाइड, यानी का जो होता है हमारा ऑफ का है, फिर डी का मतलब डिवीजन, फाइव कोई संख्या है। ठीक, क्या होगा इसका आंसर, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम टेन का फोर से गुणा करेंगे, टेन इंटू फोर डिवाइड बाय फाइव, तो ये कितना हो गया हमारा, चालीस डिवाइड बाय फाइव। ये सेम है, एक ही जैसे हो गए ये। अब इसका पाँच का चालीस से भाग करोगे, आठ पंच चालीस यानी आठ, तो आठ हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस तरह मतलब बोर्ड मास को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते हैं ये कि इसका क्या होता है, ये लाइन लाइन का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि लाइन का मतलब होता है बार, यानी किसी और किसी संख्या के ऊपर अगर बार लिखा, मान लो थ्री माइनस वन, इसके ऊपर बार दिया। ठीक, यानी वन का बार, टू का बार, ये पूरे का बार है, तो इसको घटाओगे तो वन बचेगा। ठीक, का मतलब होता है गुणा, और भी होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जैसे टू पावर फोर यानी टू टू पावर टू है तो कितना आ जाएगा, फोर, तो ये क्या ऑर्डर है। चलिए, हमारा तीसरा सवाल है जिसमें दो दिए हैं। ठीक, का भी दिया है, लाइन दिए हैं यानी इसके ऊपर बार कोई भी संख्या है, और प्लस डिवीजन। ठीक, ये बोर्ड मास के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम पहले समझ लेते हैं इसमें से पहले क्या सॉल्व करना है। तो हमको लाइन को सॉल्व करना है जो इसके ऊपर बार लगा है। ठीक, ब्रैकेट, यानी हम ब्रैकेट तुमको थ्री टाइप से बता चुके हैं, जो कि क्या सॉल्व करना है, लाइन ब्रैकेट को, इसको क्या कहते हैं, लाइन ब्रैकेट होता है, और दूसरा हमारा होता है इसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं, और थर्ड हमारा होता है मंजिला ब्रैकेट, एंड फोर्थ होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, एंड मंजिला ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। तो पहले हमको क्या इसको सॉल्व करना है, तो 18 का ये तीन और दो कितना आ जाएगा, पाँच डिवाइड बाई फाइव। ठीक, अब का मतलब क्या आता है, हमने बताया था, और गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, पाँच का गुणा आठ से करेंगे। ठीक, यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक, तो पाँच का गुणा हम किससे करेंगे, 18 से करेंगे, तो पाँच आठ 40 होता है, फिर पाँच एकम पाँच, पाँच चार नौ यानी 18 पंची 90 आ गया। ठीक, डिवाइड बाई जी, पाँच का नौ से भाग करना है, अगर आपको नौ भाग नहीं आता तो कैसे करते हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पाँच लिखते हैं। ठीक, पाँच का ऐसा पढ़ना है कि नौ से ज़्यादा ना हो, तो पाँच एकम पाँच, पाँच दस ज़्यादा हो गया, तो हमको क्या एक ही बार में पढ़ना है। ठीक, अब ये बचेगा हमारा चार, ये जीरो उतार लेंगे। ठीक, अब कितना हो गया, चालीस, पाँच पढ़ो 40, तो कितना हो गया, 40 आ गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या क्या दिया गया, गुणा भी दिया गया, भाग भी है, और घटाना भी, जोड़ भी, और लाइन बार, और
बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट एंड लाइन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, सॉल्व पहले लिख लेंगे। अब देखो इसमें क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसको इसको यानी लाइन को सॉल्व करेंगे। ठीक, लाइन को सॉल्व करेंगे तो टू यानी माइनस माइनस टू प्लस सिक्स, इसमें से कितना बचेगा, यानी चार बचेगा, प्लस का चार तो चार बचेगा। ठीक, प्लस चार। अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है, अब छोटा ब्रैकेट, थ्री ब्रैकेट बताए थे, जो छोटा ब्रैकेट, ये मंझला, ये बड़ा। ठीक, तो सबसे छोटा पहले, सबसे सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट इनटू 6 / 5 - 4 चार प्लस चार कितना हो गया, चार प्लस चार हो गया आठ, तो माइनस अब कितना आ गया, आठ। अब क्या सॉल्व करेंगे, मंझला ब्रैकेट। तो पाँच में से आठ गए तो कितना बचेगा, माइनस का तीन। ठीक, तो ये माइनस का तीन आ गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। तो इसका इससे भाग करेंगे कितना आ गया, तीन, तो यह थ्री हो गया, माइनस थ्री, थ्री में से थ्री गया, जीरो बचा, सॉरी टू, फाइव इंटू थ्री में से थ्री गया जीरो। तो कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दे जीरो से, तो हमेशा क्या हो जाएगी, सारी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए हम एक और सवाल लेते हैं थोड़ा इसके, जिसमें भिन्न होंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पाँचवा सवाल। ठीक, जिसमें भिन्न भी दिए गए हैं। ठीक, इसको भी सॉल्व करने का। तो पहले क्या हम सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है ऑफ, का मतलब क्या होता है, ऑफ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जितने भी हमारे नंबर हैं उनको एक तरफ ले लेंगे। ठीक, तो वन प्लस कितना, वन माइनस है, माइनस जीरो। ठीक, प्लस लगा दिया, अब भाग है, भाग को एक तरफ ले लेंगे। ठीक, और प्लस वन बाई टू माइनस टू बाई फाइव प्लस। अब इसको सॉल्व करना है का को, तो पांच इसको गुणा कर देंगे, कितना आ गया, दस। दस आया। अब क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे। ठीक, वन प्लस वन माइनस ये तो जीरो। ठीक, वो तो सेम ही रहेगा, प्लस टेन हो गया। ठीक, प्लस। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे हर हैं उसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो गया इसका एलसीएम, कितना आएगा। एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता है तो हम बता देंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे एलसीएम पे, जो लासा और मासा पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पाँच दून दस, यानी बीस आएगा हमारा, कितना आएगा, बीस आएगा। ठीक, कैसे आएगा बीस, देखो चार टू एंड फाइव, दो से डिवाइड करेंगे तो दो, एक एंड फाइव, फिर दो से करेंगे तो एक कॉमा एक फाइव, फाइव से करेंगे तो एक कॉमा एक कॉमा एक। तो पाँच दून दस, दस दूना बीस, तो बीस क्या आया हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, हर को जो हमारा आया था बीस यानी एलसीएम, उसको भाग कर देंगे। तो चार चार पंचे बीस, पाँच आया, पाँच एकम पाँच, प्लस फिर दो, दो दहम बीस, दस एकम दस, माइनस पाँच का इससे, पाँच चौक बीस, चौक बीस, भागफल क्या आया हमारा, चार आया। चार को इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, चार दुना आठ। ठीक, अब क्या करना है, ब्रैकेट, इसको सॉल्व करिए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ भी सकते हैं, मान लो जोड़ दिए, कितना आ गया, बारह प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे आएगा, पहले क्या करते हैं एडिशन, फिर उसके बाद देन सब्ट्रैक्शन। तो पाँच का इससे गया कितना हो गया, पंद्रह हो गया, पंद्रह में से आठ गए कितने बचे, सात, तो सात बाई ट्वेंटी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बारह सही, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आपको
कोई भी सवाल में अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो ये बॉडमास का जो सेकंड पार्ट है वो आपको देखने में कैसा लगा, या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया एनी डाउट, तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। ठीक, जो भी वीडियो लगी हो या आपको बॉडमास समझ में आया हो थोड़ा बहुत, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।